આગળ વધીએ આપણી સાથે. આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે, ખાસ ન્યૂજન સોફ્ટવેરના મેનેજમેન્ટ છે, ઓવરઓલ ડિસ્કશન માટે કેવી રીતના ટર્નઆઉટ થઈ રહ્યું છે, આ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ તો ડિસ્કસ કરીશું જ, બટ એ સિવાય સેક્ટોરલ વ્યૂ કેવી રીતના બની રહ્યા છે એના વિશે પણ વાતચીત કરવા માટે કંપનીના સીઈઓ વિરેન્દર ચી જોડાઈ ચુક્યા છે આપણી સાથે. હાય સર, શુક્રિયા મેરે સાથે જુડને કે લીએ. સબસે પહેલે તો મેં ઓવરઓલ સેન્ટિમેન્ટ સે શરૂઆત કરના ચાહ રહી થી, કિસ તરીકે સે ઓવરઓલ જો સેક્ટર કે અંદર ડિમાન્ડ બઢતી હુઈ દિખ રહી હૈ, આઉટલુક કેસે બન રહા હૈ, ક્યુંકિ ક્વાર્ટર વન કે જો હમ લોગોને રિઝલ્ટ દેખે વો કાફી બહેતરીન સ્ટ્રોંગ મોમેન્ટમ યહાં સે ડિક્ટેટ કર રહે હૈ. आपकी तरफ से एक आइडिया ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है, उसके बाद बाकी पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करें. नमस्कार जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. अब सबको पता है कि ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री इस कोविड के दौरान देयर हैज बीन एन एक्सेलरेशन. डिमांड डिजिटल सॉल्यूशंस की ग्लोबली काफी अच्छी हो रही है, एंड इसी के रहते हुए सब जगह ओवरऑल डिमांड सिचुएशन में आपने देखा है आईटी कंपनीज में लास्ट ईयर इवन दिस साल वो अच्छा ही कर रही है. तो ग्लोबली अगर हम देखते हैं, हम जैसी कंपनियां हम जो प्रोडक्ट बेचती है, तो हमारे प्रोडक्ट्स काफी सारे डिजिटल सॉल्यूशंस में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, गवर्नमेंट में यूज हो रहे हैं. इन सब जगहों पे हमने डिमांड देखी है. बढ़ती हुई ऑफकोर्स यूएस मेजर मेजर टेरिटरी होती है किसी भी बिजनेस की, और वहाँ की डिमांड ज्यादा डिपेंड करती है, और वहाँ मार्केट अभी अच्छा चल रहा है. एंड इसके साथ साथ हमारे लिए मिडिल ईस्ट, इंडिया, एपैक, ये मार्केट्स भी अच्छा कर रहे हैं. अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा मैं जो ट्रैवल एक्सपेंसेस के अंदर बढ़ोतरी देखी गई है उसके ऊपर मैं आपकी तरफ से कमेंट भी चाह रही थी, और क्योंकि हम लोग ये पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट मार्जिन के ऊपर होता है, तो मैं एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ INR डिप्रिसिएशन भी INR अप्रिसिएशन भी समझना चाह रही थी. पिछले एक या दो महीने के दौरान यहाँ से काफी वोलेटिलिटी देखी गई है, इसको केटर कैसे करेंगे, और साथ ही क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर तो हम लोगों ने एक बेहतरीन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी विटनेस किया है, और मार्जिन के अंदर भी एक अच्छा खासा इजाफा देखा गया है, अब यहाँ से चीजें कैसे वर्कआउट हो रही है? सही कह रहे हैं. आई थिंक कंपनीज ने, इंक्लूडिंग हमारी कंपनी में, एक मेजर एक्सपेंस जो बिजनेस ट्रैवल का होता था, जो इनफैक्ट अच्छा एक्सपेंस होता था जिसकी वजह से आप बिजनेस कर पाते हैं ग्लोबली, उसमें काफी डिक्लाइन था बिकॉज ट्रैवल अलाउड नहीं था दुनिया भर में. लास्ट साल काफी सारी कटौती थी उस ट्रैवल में. इस साल पहले क्वार्टर में भी कोई खास नहीं बढ़ा है, वो बहुत ही छोटा मोमेंटम है. अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं बहुत ही छोटा नंबर है. इसके होते हुए और बिजनेस ग्रोथ, इवन हमारी टॉप लाइन ग्रोथ भी लगभग क्वार्टर में 20% से ऊपर थी, जो एक सब्सटेंशियल ग्रोथ थी, उसके हिसाब से हमारे मार्जिन काफी इंप्रूव हुए. यहाँ से हम आगे क्या देख रहे हैं, Q2 इस साल का, उसमें भी ट्रैवल म्यूटेड ही रहा है. ऐसा बिजनेस ट्रैवल इतनी तेजी से बढ़ा नहीं, जबकि कुछ कुछ कंट्रीज में जो लोकल ट्रैवल्स थे, लोकल ऑफिस थे यूएस में और मिडल ईस्ट में, लोकल ट्रैवल शुरू हो गया. बट हम होपफुल है Q3 Q4 में अगर मार्केट कोविड की सिचुएशन बेटर रहती है, ग्लोबल ट्रैवल रहता है, तो बिजनेस मोमेंटम भी बढ़ेगा जिसकी वजह से ट्रैवल की जरूरत भी बढ़ेगी. हमारा ओवरऑल लास्ट ईयर भी जो हमने देखा है कि मार्जिन प्रोफाइल बेटर होता गया है, कि काफी सारी, चाहे रिमोट वर्किंग से बोलिए आप या ट्रैवल रिडक्शन से, काफी सारा मार्जिन एक्सपेंशन हर कंपनी में हुआ है और हमारे में भी सब्सटेंशियल हुआ है. हम सोच रहे हैं ये वाला मार्जिन की पोजीशन है कुछ तो परमानेंट रहेगी, कुछ एफिशिएंसीज मार्जिन की जो ट्रैवल चाहे रिमोट वर्किंग से है वो हमेशा बिजनेस में रहेगी. सेल्स मार्केटिंग में एफिशिएंसी आएगी, इम्प्लीमेंटेशन सर्विस में एफिशिएंसी आएगी, बट की सिचुएशन बेटर होती है तो थोड़ा ट्रैवल बढ़ सकता है, पर उससे डायरेक्टली बिजनेस मोमेंटम या सेल्स एक्सेलरेशन में ग्रोथ आएगी जो हमारे लिए फायदेमंद होगी. सो हम चाहते हैं कि ट्रैवल बढ़े और साथ में हमारा बिजनेस बढ़े. जहां तक हमारे मार्जिन और बिजनेस की सिचुएशन है, लास्ट ईयर सिर्फ ये साल हम ग्रोथ ईयर की तरह देखते हैं. Q1 में ऑलरेडी हमने 20% ग्रो किया है. हम सोच रहे हैं Q3 Q4 और Q2 में हम ये मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहते हैं. अट्रिशन रेट जिस तरीके से पूरी इंडस्ट्री के लिए वन ऑफ द कंसर्न रीजन बन रहा है, मिटिगेट करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, और साथ ही ये सप्लाई साइड को लेकर हम लोग जितने भी कंस्ट्रेंट्स देख रहे हैं उसको नॉर्मलाइज होने में कितना टाइम लगेगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए. सो आप सही कह रहे हो, इस टाइम पूरी इंडस्ट्री में डिमांड की वजह से देयर इज अ प्रेशर ऑन द सप्लाई साइड, इससे काफी सारी अट्रिशन भी बढ़ी है, हर कंपनी यूज कर रही है, लोअर ऑन मैन पावर के कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं. हमारी कंपनी में भी ये चैलेंज है, स्लाइटली ओवर लास्ट ईयर से हमारी एक्सेलरेशन है अट्रिशन ट्रेंड,
वी आर टेकिंग केयर, हमने हमारे लिए एम्प्लॉइज और एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज एक आईपीआर नॉलेज बेस्ड कंपनी है, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिटेन करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन में हम लीड करते हैं, इसलिए हम काफी सारे हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स भी लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं, तो हमने मल्टीपल इंक्रीमेंट साइकिल्स किए हैं, मल्टीपल प्रमोशन साइकिल्स एम्प्लॉइज के लिए किए हैं, इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि इस साल और अगले 3-4 महीने तक एट्रेशन मोमेंटम ऐसा बना रहेगा, बट ओवर दैट बियॉन्ड दैट मुझे लगता है सप्लाई साइड एज वेल एज डिमांड साइड थोड़ा बैलेंस कर जाएगा एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर से सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, एंड ऑल्सो कॉस्ट परमानेंटली ऊपर नहीं जा सकते, चाहे वो रिसोर्सेज के हो, चाहे रॉ मटेरियल के हो, चाहे एम्प्लॉइज के, तो राइट नाउ वो एक बहुत ही बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, सून एक कंडीशन से वो बैलेंस कर जाएंगे एंड देन स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाए, आई थिंक दिसंबर के ऑनवर्ड्स वी थिंक देयर इज गोइंग स्टेबिलिटी ऑन द एम्प्लॉइज साइड, बट फॉर न्यूजेन स्लाइटली डिफरेंट, हमारी बिजनेस सर्विस डिपेंडेंट बिजनेस नहीं है, हम प्रोडक्ट आईपीआर लाइसेंस का मतलब 50% बिजनेस हमारा लाइसेंस बेस्ड है जिसका कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होता, सो हमारे लिए गेटिंग टैलेंट क्वालिटी टैलेंट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड देन इफ यू गेट गुड क्वालिटी टैलेंट वी शुड बी एबल टू रिटेन। ओके अग्रीड सर। अच्छा इसके अलावा हम लोग सेगमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर बातचीत करें, उससे पहले मैं जियोग्राफी वाइज आपसे एक अपडेट समझना चाह रही थी, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो इंडियन बिजनेस के मुकाबले बाकी सारे मार्केट्स के अंदर ग्रोथ मोमेंटम काफी बेहतरीन रहा है, और पिछले इतने सालों के दौरान जो आपका एवरेज ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 20% के अराउंड था, अब जब हम लोग कोविड को लेकर जो भी डिस्ट्रप्शंस थे वो थोड़े बहुत स्टेबलाइज होते हुए देख रहे हैं, कब तक ये वापस पेस अप हो पाएगा, और स्पेशली इंडियन बिजनेस की बात करने जाए तो वहां तक कब तक काइंड ऑफ स्केलेबिलिटी देख पाएंगे? हमने हमारी कंपनी जो आज के दिन एक ग्लोबल कंपनी है, हमने शुरू इंडिया से किया है, तो इंडिया हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट रहेगा, एंड इंडिया में हमारे पास काइंड ऑफ लीडरशिप है कुछ सेगमेंट्स में, बैंकिंग इंश्योरेंस हुआ, शेयर सर्विसेज हुआ, तो लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया की आप ग्रोथ देखो, ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ, उसके हिसाब से मार्केट एक्सपेंड करता जाए, हैविंग सेड दैट ओवर लास्ट 2-3 ईयर्स थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रही है इंडिया से बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन, चाहे बैंकिंग में डिस्ट्रप्शन हुए, मर्जर कंसोलिडेशन की वजह से डिस्ट्रप्शन हुए, और ऑफ कोर्स एंड लास्ट का 1.5 साल कोविड की वजह से काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैव नॉट बीन एबल टू मूव, बट एज यू राइटली पॉइंटेड आउट हमारे जो बाकी मार्केट है दे आर शोइंग फास्टर साइंस ऑफ especially APAC, EMEA and US, for us, they are showing faster recovery than India. हम hopeful है कि India का overall business potential और overall economy size जैसे grow होगा, तो overall opportunity size हमारे लिए grow होगी, तो हमारे पास एक leadership position है यहाँ. पर right now इसको time करना कि India market कब हमारे लिए बहुत बड़ा growth driver बनेगा, बहुत difficult है, but we are hopeful है. अगर आप सही कह रहे हो कि हमारे लिए बाकी market काफी promising दिख रहे हैं, especially markets, EMEA जो last year काफी slow था, इस साल हम substantial grow करेंगे वहाँ, APAC हमारा 3-4 साल से अच्छा growth driver रहा है, and US बड़ी geography है, बड़ा market है, और वहाँ हमने last 5-7 साल में around एक अच्छी base build करी, इनफैक्ट लास्ट ईयर US हमारा सबसे बड़ा revenue territory बन गया था करते करते, तो हम देख रहे हैं कि ये momentum grow करेगा अगले 2-3 साल, एंड हमारे कुछ और नए इनिशिएटिव्स है, ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ हम बेचना चाहते हैं 40,000 में, वो अभी स्टार्ट हुआ है, उससे हम फर्दर एक्सप्लोरेशन देख रहे हैं बिजनेस। ओके अग्री सर। अच्छा सेगमेंटली क्योंकि आपके एन्युटी रिवेन्यूज जो है नियरली 66% जितना टोटल कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज नियरली 9% जितना कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने के बारे में आप सोच रहे थे, एन्युटी रेवेन्यूज का जो शेयर है टोटल कंट्रीब्यूशन में वो बढ़ा के 70% से भी ज्यादा करने के बारे में आपका प्लान था, क्या अपडेट्स हैं, कब तक हो पाएगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, और चूंकि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को यहाँ से ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं वो किस तरीके से अपडेट हो रहा है? आप सही कह रहे हो, जनरली ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर कंपनीज काफी व्हाट यू कॉल वन टाइम लाइसेंस की तरह बेच चुकी है, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्रिप्शन सर्विसेज एनुटी सर्विसेज में कंबाइन हो रहा है। हमारी बिजनेस का एक करेक्टरिस्टिक्स है, एज हम ग्रो करते हैं एक कंपाउंडिंग एनुटी ऑटोमेटिकली चाहे वो क्लाउड सब्सक्रिप्शन एनुअल टेक्निकल सपोर्ट से आती रहती है। आप सही कह रहे हो, हम 65% एनुटी के अराउंड है, सो एज हमारी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एनुटी में कंपाउंडिंग होती है,
तो हमारा एम है कि हम उस एनुटी कंपोनेंट को मोर स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम में इसको बढ़ाए। उसके कहते हुए हमने बहुत सारे मार्केट्स में हमने सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की तरह लाइसेंस बेच कर डायरेक्टली एनुटी में ऐड होंगे। प्लस जो हमारे ट्रेडिशनल लाइसेंस बेसिस है वहाँ भी हम एटीएस रिन्यूअल रेट, एटीएस रिन्यूअल की चार्जेस को अपडेट कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एज हमारा मार्केट और यूएस मार्केट पिकअप करेगा, एन्यूटी पार्ट ऑफ बिजनेस विल कीप ऑन ग्रोइंग फास्टर देन द रेगुलर। तो अगर हमारी रेगुलर ग्रोथ 20% होगी तो एन्यूटी 30% से ज़्यादा ग्रो कर सकते। अच्छा, क्योंकि यूएस मार्केट्स की बात कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली एक आइडिया समझना था यूएस में चीजें कैसे दिख रही है, क्योंकि जितने भी एनालिस्ट से मैं बातचीत कर रही हूँ, जितने भी प्लेयर से बातचीत हो रही है, वो एक हाईलाइट तो दे रहे हैं कि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है थोड़ा बहुत। क्या आपने ये विटनेस किया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए ग्राउंड लेवल की सिचुएशन से। नहीं, हमारे अभी जो कस्टमर्स है यूएस में वो दो टाइप के हैं, कुछ लार्ज कस्टमर्स है और कुछ मिड टीयर कस्टमर्स है, मिड टीयर बैंकिंग में ऑपरेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर कोविड के दौरान तो काफी स्लो डाउन था बिकॉज बैंकिंग वॉज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दिस गवर्नमेंट लेंडिंग, या उस टाइम दे हैड पेचेक पैरिटी प्रोग्राम यूएस में, तो काफी सारे मिड टीयर जो छोटे बैंक थे इसी। इस साल हमने देखा है पिछले क्वार्टर से कि एक्सेलरेशन जो उनके टिपिकल डिजिटल जर्नीज की वहाँ एक्सेलरेशन आ रही है। और हमारा हमारा जो बिजनेस मैं पहले भी कह रहा था, हमारा वो लाइसेंस सब्सक्रिप्शन ड्रिवन बिजनेस है जिसमें सर्विस कंपोनेंट्स कम है, तो हमारे एंट्री टिकट साइजेस भी एक रीजनेबल साइज के होते हैं। तो हमें वहाँ डेफरमेंट के अभी चैलेंजेस तो हमारे मार्केट सेगमेंट में नहीं मिलता है, बट लार्जर पार्ट ऑफ अगर आप इंडियन इंडस्ट्री देखोगे, इंडियन इकोनॉमी में काफी सर्विस ड्रिवन है, और सर्विस ड्रिवन की करेक्टरिस्टिक्स थोड़ी डिफरेंट होती है हमारी बिजनेस से। आई वोंट बी द बेस्ट गाइड टू कमेंट डाउन के उनकी बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट। ओके, बिल्कुल अग्रीड सर। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ये कंप्लीट डिटेल पैरामीटर्स और डिस्कशन मेरे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया। अपने साथ ही न्यूजन सॉफ्टवेयर ना मैनेजमेंट जोड़ाया था ने, जे प्रमाण रिजल्ट्स तो आता देखे जाए छे, बट इस सिवाय जे अपडेट्स आता देखे रखा छे इंडस्ट्री ना संदर्भ में, ये पण थोड़ा पॉजिटिव साइंस डिपिक करी रहा छे। ध्यान रखता रहीशु आपणे केवी रीतना टर्न आउट थाय छे आगळ। 605 लेवल्स पर कामकाज करतो काउंटर लगभग 150 नीचे छे अत्यारे। क्विकली एक ब्रेक लई लिए, ब्रेक बाद पाछा फरीने आगळ वातचीत करिए। आपणी साथे पनाशिया बायो ना एमडी जोड़ाशे डॉक्टर राजेश जैन।